इस्लाम में भी लिखा गया है कुरान में, द प्रॉफेट पीस बी अपॉन हिम सेड, ही गॉड सेड हैव नो फियर आई एम विद यू हियरिंग एंड सीन। मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। राहुल गांधी भाग आजा, ऐसे आने वाले टाइम में तेरा भी वो हालेगा। इस्लाम में भी लिखा गया है कुरान में, द प्रॉफेट पीस बी अपॉन हिम सेड, ही गॉड सेड हैव नो फियर आई एम विद यू हियरिंग एंड सीन। मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। जैसे कि आप जानते हैं, जो भी अभी तक वक्फ बोर्ड को रिजेक्ट करने की बातें कर रहा है, जो इस बात की आवाज़ उठा रहा है कि वक्फ बोर्ड लॉन्च नहीं होना चाहिए, वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान के अंदर किसी भी जगह पर उसे लागू नहीं होना चाहिए, तो उसका अक्सर लोग दुश्मन बनते जा रहे हैं। जैसे कि आपने रवीश कुमार की ज़बान से सुना कि राहुल गांधी को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी हैं, और राहुल गांधी को कहा जाने लगा कि तुझे राहुल बाज आ जाना चाहिए वरना तुझे हम दुनिया से मिटा देंगे। और जब सांसद भवन के अंदर राहुल गांधी ने कुरान के ताल्लुक से कुरान का नाम लेकर के कुछ ऐसे अल्फाज कहे, जुमले कहे, राहुल गांधी ने कहा कि कुरान में साफ लफ्ज़ों में ये लिखा हुआ है कि किसी से भी डरना नहीं है। इसी को लेकर के कुछ लोगों ने अब राहुल गांधी को आतंकवादी बताना शुरू कर दिया है। अब एक साहब ने राहुल गांधी के सपोर्ट में आते हुए इस बात को कहा और कहा कि राहुल गांधी की जल्द से जल्द सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए। और राहुल गांधी के, आप जानते हैं, जब सांसद में वो बोलते हैं, सांसद भवन के अंदर जब वो बैठते हैं तो बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता, बीजेपी के जितने भी सांसद वहाँ पर बैठे होते हैं और ख़ास तौर के स्पीकर भी राहुल गांधी की तरफ को इशारा करके इस बात को कहते हैं कि तुम्हें किस तरीके से बैठना चाहिए, किस तरीके से बोलना चाहिए, तुम्हें क्या बात कहना चाहिए। इसी तरीके से राहुल गांधी ने वक्फ बोर्ड के रिजेक्ट होने पर बात कही और कहा था कि वक्फ बोर्ड को हिंदुस्तान में लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड, जिन लोगों पे वक्फ बोर्ड की संपत्ति है वो लोग अमीर हैं। जैसे कि मुकेश अंबानी, जब उनकी ज़मीन, उनकी इमारतों को उनसे नहीं छीना जाता तो फिर गरीबों पर इसे लागू करके क्या हासिल। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। राहुल गांधी भाग आजा, ऐसे आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा। राहुल गांधी, इस्लाम में भी लिखा गया है कुरान में, द प्रॉफेट पीस बी अपॉन हिम सेड, ही गॉड सेड हैव नो फियर आई एम विद यू हियरिंग एंड सीन। मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। तो कोई उन्हें नंबर वन आतंकवादी कह रहा है। बीजेपी के पूर्व विधायक ने कहा है कि राहुल गांधी का हाल भी दादी के जैसा हो जाएगा। क्या यह जान से मारने की धमकी नहीं? मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी को नंबर वन आतंकवादी बता रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने राहुल गांधी को धमकी दिए जाने और आतंकवादी कहे जाने पर हैरानी जताई है और निंदा की है। केंद्र सरकार से मांग की है कि सरकार राहुल गांधी की सुरक्षा कड़ी करे। संसद में आपने देखा होगा, स्पीकर से लेकर बीजेपी के सांसद, मोदी सरकार के मंत्री, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कैसा होना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, बड़ी जिम्मेदारी का पद होता है, बार बार बताया जाता था। लेकिन राहुल गांधी को याद दिलाते दिलाते लगता है बीजेपी खुद भूल गई है कि नेता प्रतिपक्ष को नंबर वन आतंकवादी कहना सही नहीं, और जान से मारने की धमकी भी ठीक नहीं।
ऐसा क्यों हो रहा है, हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्यों कांग्रेस ने इन बयानों को लेकर आज प्रदर्शन किया, और आपको यह भी याद दिलाएंगे कि कैसे इन 10 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की जरा सी भी आलोचना करने पर नागरिकों और पत्रकारों को जेल में डाला जाता रहा है। ये है तरविंदर सिंह मारवा, पूर्व विधायक हैं और बीजेपी के नेता हैं। इन्होंने कहा है कि राहुल गांधी बाज आ जा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ। यह आलोचना नहीं, अपमान और अपशब्द भी नहीं है जो